पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी मैं काली टीचर, हम पढ़ेंगे इकरा कायदा। ठीक है, ओपन योर इकरा कायदा, सफर नंबर 11 ओपन कर लें। जी हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 9 जज़्म। कौन सी तख्ती पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 9 जज़्म। ठीक है, सब पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. Look at the board. तख्ती नंबर 9 जज़्म। देखिए ये दाल जैसी छोटी सी शक्ल है ना, इसको इसको कहते हैं जज़्म। जज़्म जिस सर पर आ जाए उसे साकिन हर्फ कहते हैं। अब देखिए ये ता पर जज़्म आ गई तो ये ता साकिन हो गया। किसी और हर्फ पर भी जज़्म आ जाएगी तो वो साकिन हर्फ हो जाएगा। तो साकिन हर्फ को कैसे पढ़ते हैं? साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक मर्तबा पढ़ते हैं। ठीक है, हम पिछला सबक जो है वो रिपीट करेंगे दोबारा से। ता जबर ता ता जेर ती ता पेश तू ता ती तू, इनका नाम है हरकत। हरकत को इनका दूसरा नाम है ना हरकत। हरकत को खींचे बगैर, झटका दिए बगैर पढ़ते हैं। ता दो जबर तन ता दो जेर तिन ता दो पेश तुन तन तिन तुन। अब दो जबर दो जेर दो पेश का नाम क्या है? दूसरा तनवीन। तनवीन को कैसे पढ़ते हैं? तनवीन को गुना के साथ पढ़ते हैं। गुना किसे कहते हैं? गुना एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज रोके रखने को कहते हैं। अब ता पर जज़्म आ गई है तो ये क्या है? ता साकिन। हम इसे पढ़ तो नहीं ना सकते खुद ब खुद जी, तो इसे पढ़ने के लिए हम कोई भी एक हरकत वाला हर्फ लेकर आएंगे इससे पहले और उसकी हरकत के साथ मिलाकर इसको एक मरतबा पढ़ेंगे। हमजा ता ज़बर अर, आवाज रुक जाएगी। हमजा ता ज़ेर इक, हमजा ता पेश उत अर इक उत। जी हमने याद किए थे कल हरफे कलकला। ठीक है, हरूफे कलकला कितने हैं? हरूफे कलकला 5 हैं। कौन कौन से हैं? को तो बा जी दाल। अब हरूफे कलकला आ जाएंगे तो हमें क्या करना है? वहां पर हमने हर्फ को हिलाना है। अगर ये साकिन होंगे तो हरूफे कलकला आ जाए लफ्ज में तो, और ये साकिन हो तो इन पर हम आवाज को हिलाएंगे। हमजा बा जबर अब। अब ये निशान हमने क्यों लगाया है? ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर आपने कलकला करना है। हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब अब इब उब। ठीक है, इन पर हमने कलकला किया क्योंकि यह रुफे कलकला में से है। अब ता तो रुफे कलकला में से नहीं है ना, तो यहाँ पर आवाज रुक जाएगी। हमजा ता जबर अब, हमजा ता ज़ेर इब, हमजा ता पेश उत अर इब उत, आवाज रुक जाएगी। अब देखें सा नन्ही वाला हरफ है ना, इसको नन्ही से पढ़ा था तो अभी भी हम नन्ही से पढ़ेंगे। हमजा था दबर अर, हमजा था जेर इब, हमजा था पेश उत अर इब उत। इस पे हम नन्ही से इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल सख्ती नहीं करेंगे। हमजा जीम जबर अज। अब देखें यहाँ जीम है ना हरफे कलकला में, तो हम यहाँ पर कलकला करेंगे। निशानी मैंने लगा दी है ताकि आपको याद रहे। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज अज इज उज। जी बहुत थोड़ा सा सबक मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आपको याद हो। आपने इसको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि इसको समझना है, समझ कर पढ़ना है और बहुत अच्छा याद करना है। क्योंकि आपने बात नहीं भूलनी कि हम ये कुरान सीख रहे हैं और कुरान सीखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और आपको पता है जब आप कुरान पढ़े होते हैं तो फरिश्ते आपको ढांक लेते हैं और आपको आपके लिए दुआ करते हैं, आप पर रहमत नाज़िल होती रहती है अल्लाह ताला की। तो आपने इस वीडियो को सवाब की नियत से भी देखना है और याद भी करना है। ठीक है ना, आपके डबल फायदे हो रहे हैं इसमें। तो आपने ज़रूर वीडियो को देखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में आ जाइएगा फिर हमारे।